दोस्तों मैं हूं रोशन और आप देख रहे हो टेक रोशन। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप किसी भी ब्लॉकेड वेबसाइट को आप कैसे उसे एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों आज की जो टॉपिक है मेरा इसी वीडियो के ऊपर में है, आप किसी भी ब्लॉकेड वेबसाइट को आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप कभी भी ब्लॉकेड वेबसाइट यानी कभी भी जो ब्लॉकेड वेबसाइट होता है वो जो है पार्टिकुलर उस कंट्री में होता है, सभी कंट्री में नहीं होता है। अगर मान लो कुछ ब्लॉकेड वेबसाइट है जो हमारे कंट्री में एक्सेस नहीं हो पाते, लेकिन जो है आप जो है दूसरे कंट्री में आराम से उसे एक्सेस कर सकते हो, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले जो है आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको ये फ्री वाला वीपीएन जो है डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जो है इसे इंस्टॉल करके आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ परमिशन एलो करने के लिए बोलेगा, परमिशन एलो कर देना। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर कंट्री वाइज सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। आपको देखो करना क्या है, यहाँ पर आपको दूसरा कंट्री सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद वहाँ पर वीपीएन जो है कनेक्ट कर देना है। जैसे ही वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा, हमारा जो है इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा, आप उसके बाद कोई भी ब्लॉकेड वेबसाइट को आप आसानी से जो है उसे एक्सेस कर सकते हो। लेकिन रुको रुको दोस्तों, आपको एक जरूरी बात बतानी है। उसमें क्या होता है दोस्तों, आप कभी भी वीपीएन यूज कर रहे हो तो वो क्या होता है, वीपीएन कभी भी प्राइवेट वर्क के लिए होता है। आप कभी वीपीएन यूज कर रहे हो तो प्राइवेट वर्क के लिए करो। आप वहां पर फेसबुक या तो आप कुछ पार्चेस कर रहे हो तो पार्चेस वगैरह आप मत करो, क्योंकि क्या होता है दोस्तों ऐसे भी मतलब जो होता है जो डाटा जो होता है वो हमारा फ्री वाले वीपीएन का जो डाटा होता है वो हमेशा आपको जो भी सारे डाटा है वो सारा डाटा वहां पर रिकवर करके रख लेता है। तो कभी भी वीपीएन यूज कर रहे हो तो आप कभी भी वहां पर फेसबुक या तो आप कुछ भी ऐसा वगैरह काम ना करो जिससे आपका डाटा वहां पर सेव हो जाए और आगे जाके आपको फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो कभी भी आप वीपीएन यूज कर रहे हो तो आपने जो प्राइवेट काम है उसी के लिए करो, और कभी भी जब काम खत्म हो जाए तो वहां पर डिस्कनेक्ट करके और अपना नेट अपना आराम से जो है आप एक्सेस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही था दोस्तों इस वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस वीडियो को भी शेयर भी कर सकते हो और कमेंट करके बता सकते हो आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप नए क्रिएटर हो तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो है बेल आइकन बेल को भी क्लिक कर लेना, ताकि जो है आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरह के कुछ खास अपडेट लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।